हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गहलोत ने की प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के उस फैसले का स्वागत किया है जिसके तहत लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे लोग कुछ शर्तों के साथ अब अपने घर लौट सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अशोक गहलोत ने कहा कि प्रवासियों को सकुशल उनके घर पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है जिसमें बुधवार रात तक करीब 6,35,000 श्रमिकों एवं प्रवासियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। सीएम ने प्रवासी मजदूरों को लाने या ले जाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। गहलोत ने कहा कि आने वाले समय में और भी श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे में कामगारों की इतनी बड़ी संख्या तथा लंबी दूरी को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाना कामगारों की सुरक्षित घर लौटने का व्यवहारिक समाधान होगा। गृह मंत्रालय के नए गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी राज्य में फंसा कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाना चाह रहा है तो इसके लिए दोनों राज्यों की सरकार आपस में बातचीत करके उपयुक्त कदम उठाए। लोगों को सड़क के रास्ते ले जाया जाए। लोगों को भेजने से पहले सभी की स्क्रीनिंग की जाए। अगर कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाता है तो उन्हें जाने की अनुमति दी जाए। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार फंसे लोगों को भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की जाए। इन बसों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाए। साथ ही इसमें बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम अपनाए जाए। गाइडलाइन के अनुसार लोगों को उनके गंतव्य स्थान पहुंचने पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम को उनकी जांच करनी होगी। इसके बाद उन्हें घरों में पृथक यानी कि अलग रहना होगा। हालात के अनुसार अगर जरूरत हो तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा जा सकता है। इन सभी लोगों की समय समय पर मेडिकल जांच की जाएगी। इसके लिए लोगों को आरोग्य सेतु ऐप भी यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहे। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।